घटना के विरोध में बैठक करते व्यवसाय वर्ग जन प्रतिनिधिगणों के साथ कदवा थाना क्षेत्र के बीते सोमवार की संध्या सोनौली बाजार के प्रमुख व्यवसायी सुनील बबुना के कार्यालय पर चली गोली। 10 रोज पूर्व सुनील बबुना से 1 करोड़ व मनोज सिंह व्यवसायी से 1 ही मोबाइल से 40 लाख की रंगदारी मांगे जाने का मामला अब तक तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर आज बुधवार को सोनौली बाजार में सुनील बबुना के आवास पर व्यवसाय वर्ग ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ मिलकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य प्रतिनिधि के रूप में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, लोजपा नेता चंद्रभूषण ठाकुर, पूर्व प्रमुख रवि शाह, समाज सेवी नीरज शाह, तनवीर रजा, आकाश बबुना, रागेश बबुना, कटिहार के वरीय व्यवसायी नवल डोकानिया, स्थायी मुखियापति शंभू पासवान सहित अन्य कई दर्जनों प्रतिनिधि गणों ने भाग लेकर बैठक में विस्तार पूर्वक इन सभी मामलों पर विचार विमर्श किया। व्यापारियों ने उठाई विधान पार्षद से सुरक्षा की मांग। बैठक में एक स्वर से स्थानीय व्यवसायी राकेश बबुना, अनिल बबुना, रवि शाह सहित दर्जनों व्यवसायियों ने इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिए सोनौली में ओपी खोलकर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने, कदवा पुलिस के लोगों के आवेदन के प्रति ढुलमुल रवैया पर लगाम लगाने की मांग करते हुए वह व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस मुहैया कराने की मांग की, जिस पर बैठक में उपस्थित विधान पार्षद श्री अग्रवाल ने व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए सरकार की कटिबद्धता जाहिर करते हुए कहा, जो भी शस्त्र के लाइसेंस के लिए अप्लाई किए जाएंगे उनकी ओर से व्यवसायियों को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास किया जाएगा। धरना के बावजूद भी अगर कार्यक्रम नहीं हुआ उसके बाद जो स्टेप लिया जाएगा, जो दूसरा तीसरा सुझाव आया है उसको हम लोग प्रारूप में लाते जाएंगे और एक एक करके उस पर कार्रवाई करते जाएंगे। कहने का मतलब है हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे। प्रशासन अपना काम जो धीम गति से कर रहा है उसको जगाने के लिए वो तुरंत गति से करे और जितनी जल्दी हो सके इस कार्रवाई को अंजाम दे ताकि हम लोग इसको सुझाव जो भी आप लोगों ने दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है उस पर हम लोग एक एक कर अमल करेंगे। प्रशासन कैसे हम लोगों का आवाज को सुने, कैसे हम लोगों के समक्ष काम करे, क्योंकि प्रशासन हमारे बीच के लोग हैं, हम लोग उसको कैसे कोऑपरेट करें उनका जवाबदेही हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारी भी जवाबदेही बनती है कि हमारे बीच कोई घटना होती है, कोई बात होता है, कोई उग्रवादी या कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच है तो उसकी भी सूचना हम प्रशासन को दें। उसी दिन हम लोगों ने एसपी से और आईजी से बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको इंगार दे देते हैं और अपराधी का पता करते हैं, मोबाइल लोकेशन पर टारगेट करके पता करते हैं। तो विधायक नदी जब बैठक खत्म हुई उसके बाद तुरंत हम लोगों ने इस बात को वहां रखा, तुरंत डीजीपी साहब से बात हुई एसपी सिंगल से, तो उन्होंने तुरंत एक एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ की पार्टी वहां से पटना से आ गई कटिहार और एसटीएफ इस मामले में छानबीन में पूरी लगी हुई। आज सुबह भी मेरी बात हुई एसपी साहब से तो बोले कि हम लोग लगभग पता लगा लिए, एक आदमी को खाए भी है, दो आदमी को, और जो विक्टिम है वो आज से कल तक में क्लियर हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और जो उनके साथ घटना हुई थी उनको गाड़ी भी दे दिए हम लोग और भी जो सुरक्षा मुहैया कार्य वो करेंगे और व्यवसायी वर्ग को डरने की जरूरत नहीं, यह आश्वासन आप दे सकते हैं हम लोगों की तरफ से, क्योंकि हम लोग लगे हुए और पटना से भी डीजीपी जो है वो नोटिंग कर रहे हैं पूरी टीम को कि जो सरकारी की घटना घटी थी उसमें भी उद्भेदन जो हुआ वो पकड़ नहीं पाया है, उसको भी पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। इस घटना को जो अंजाम दिया है उसको एक दो आदमी पकड़ाया भी है तो वो ओपन नहीं कर रहे हैं अभी लोग, अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है शाम में या कल सुबह तक ओपन हो जाएगा जो घटना में इसमें कल्पित है वो निश्चित रूप से गिरफ्तार हो गया होगा या दो चार घंटे में गिरफ्तार होगा। एक लेकिन मेरा सुझाव था कि जो घटना जो लोग व्यवसायी हो रहे हैं एक समुचे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए जो इसमें सबका नंबर रहे आपस में, सोनौली बाजार व्यवसायी ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, उसमें छोटे से लेके बड़े व्यवसायी 100, 200, 250, 300 जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, किसी के साथ भी कोई घटना घटे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाए जिससे कि सबको मालूम हो जाए, तो तुरंत आदमी अलर्ट होगा, तुरंत बाजार में जो कार्रवाई करनी है वही करेगा, तो वो एक बहुत बड़ा आपका हथियार है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक युग है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा ग्रुप कई तो बना हुआ है लेकिन एक सोनौली बाजार का व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए जिससे कि कोई घटना किसी के साथ भी घट रही है तो तुरंत सारे लोगों को मालूम हो जाए।
इससे कि आप सजग हो सकते। और जो हथियार की बात बोल रहे थे नवल जी, जो सक्षम लोग हैं उनको हथियार अप्लाई करना चाहिए, उस हथियार को अप्लाई कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग डीएमएसपी से बात करके उन लोगों को हथियार दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि मान लीजिए सौ व्यवसायी भी सक्षम अगर है उसको हथियार आ गया तो बहुत बड़ी एक आपके पास ताकत रहेगी। क्योंकि डर तो सामने वाले भी लगता है कि कहीं खुलना गाड़ी के पास हथियार है, हम कुछ मांगने जाएंगे तो हम लोग गोली चला सकते हैं। तो सामने वाले को भय दिखाना जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति है लोगों की, मन बढ़ा हुआ है लोगों का, तो मन को कंट्रोल करवाना जरूरी है। प्रशासन तो काम कर ही रहा है, लेकिन हम लोगों को भी एकजुटता के साथ मजबूती के साथ रहना होगा। मजबूती नहीं रहने से मान लीजिए होता भी आई बहुत सी बात आई कि शुरू के साथ घटना घटी है, चलो हटा सुनाते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसी बात सोचने से नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एकजुटता दिखाइएगा तभी जाके आगे अपराधी का मनोबल गिरेगा और ऐसी तुच्छ हरकत को करने में वो कभी साहस नहीं कर पाएगा। और जो आप लोग निर्णय लिए हैं उसके साथ हम लोग हैं, मुझे लगता है कि कार्रवाई तो निश्चित रूप से हो रही है इसमें, और जो अपराधी जो पकड़ाए हैं और जो हैं, हम मुझे लगता है कल तक पीसी करके एसपी साहब क्लियर कर देंगे कि कौन कौन अपराधी था, क्या मंशा थी उसकी, क्या घटना करने की इच्छा थी, सब क्लियर हो जाएगा आज से कल तक। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं, लेकिन एकजुटता रखनी जरूरी है, जो कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटे। एक व्हाट्सएप पुलिस निश्चित रूप से बन जाना चाहिए, वो आज ही अभी जैसे हम लोग अभी जितने लोग बैठे हैं मोबाइल नंबर आया है, इसी में आज क्रिएट करके सबका व्हाट्सएप नंबर लेके एक बैठे कहीं बैठ के एक आध घंटा और लग जाए, एक ग्रुप क्रिएट कर लेना चाहिए हम लोगों को, जिससे कि आगे किसी के साथ कोई घटना घटे तो तुरंत आदमी एक दूसरे को मालूम हो, सब लोग जुट जाए, बाजार बंद हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो आदमी, उसका कमजोर वो मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत